आपने इतनी सारी चीज़ें की वहाँ पे, होस्टिंग का भी एक सेक्टर ज़िंदगी में बड़ा खूबसूरती से चल रहा है, मॉडलिंग का चल रहा है, और आगे इस फील्ड के साथ जितनी सारी चीज़ें जुड़ती हैं, क्या उसकी भी कोई प्लानिंग है? और ये सिलसिला कैसे जुड़ा? एक मतलब मोटिवेशनल स्पीकर निकला था, एक सोशल एक्टिविस्ट निकला था बाहर, और फिर उसके अंदर एक होस्ट जागा, एक मॉडल जागा, ये कैसे हुआ? दैट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड टू मी. स्टिल आई एम एस्टोनिश्ड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी. मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान हूँ. लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान को अल्लाह ताला ने दरियाफ्त का परिंदा बनाया है, बल्कि एक कोटेशन भी है. तो मेरे ख्याल में जो लोग कुछ नहीं करते तो उनका उनकी लाइफ उसी वक्त ख़त्म हो जाती है. लाइफ ये नहीं है कि आप 100 ईयर्स आपने जिया, मतलब अगर आपने 10 ईयर्स भी जिया है लाइफ को, आपने अपने तमाम विशेष को पूरा किया है, उसमें आपके साथ जो मातहत आपके सराउंडिंग्स पर लोग हैं वो भी आपसे खुश रहे, तो आपने लाइफ को स्पेंड किया. तो ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी को जीना दो अलग अलग नज़रिए हैं. तो मैं ज़िंदगी को जीना चाहती थी. मोटिवेशनल स्पीकिंग एक अलग चीज़ है कि हम बातों से या अपने बिहेवियर से लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ है गर्ल्स के लिए कि आप सब कुछ कर सकती हैं. मतलब अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप करें. हाँ. मतलब आप क्यों नहीं कर सकती मॉडलिंग? कर सकती हैं आप, मॉडलिंग भी कर सकती हैं. और बस आपको आपके लिमिट्स का पता होना चाहिए. हाँ. आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करती हैं और फिर आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके जब आगे सर्वाइव करती हैं तो कितना सुकून मिलता है. हाँ. बहुत सुकून. हाँ. मिलता है. शुरू शुरू में मुझे बड़ी डांटें पड़ती थी, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सफ़र तय किया. और कुछ ब्रांड्स थे जिन्हों मुझे कॉलेज टाइम में जब मुझे शुरू में कहा गया था तो मैं डरती थी, उस वक्त मैंने मना कर दिया था. नो. फिर जब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आया तो मैंने कहा नहीं, क्या है इसमें. मतलब आप कोई भी काम अपने मुआशरे की हदूद में रह के कर सकते हैं. तो मैंने वो कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे, कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जिनको मैंने प्रोमोट किया. और स्टिल आई एम वर्किंग विद देम. और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा भी ब्रांड हो कि जिस जो आपको इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके जाए. मतलब आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को प्रमोट करें, लेकिन आपको लोग पाकिस्तान के बाहर भी जाने के दैट इज़ पाकिस्तानी. ये पाकिस्तान में है. ये इतना अल्लाह ने टैलेंट दिया है. ये कितनी ग्रूमिंग पर्सनालिटी है. Yeah, yeah, sure, he can do it everything. And that's happening also. You will be in the list, inshallah, very soon. But that's actually happening. Yes. और उसका भी रीज़न मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न वही जिस सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, जिसने हमारे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें भेज दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दैट इज़ अगेन वन पॉजिटिव थिंग जो उसने हम सब के लिए की है. और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, दुनिया के हर कोने के लिए जो कहीं छुपा हुआ था और खूबसूरत था और उसके पास टैलेंट था. हाँ. उसके लिए भी इस सोशल मीडिया ने बड़ी आसानी की है. अच्छा, इसके साथ साथ ज़रा सा ये भी शुमार करेंगे अपने अल्फाजों में कि जहाँ आप, यहाँ हमें एक सबीन जावेद नज़र आती है कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, अपनी मर्ज़ी के काम भी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह. और कितनी सबीन जावेद आपके साथ बनी? बहुत सारी सबीन जावेद हैं, दे आर काउंटलेस. और मुझे अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं. अच्छा, मैं भी ये चीज़ और इधर क्लियर करना चाहूँगी कि मुझे देख के मोटिवेशन सिर्फ गर्ल्स को नहीं मिली, बॉयज़ को भी मिली है. मेरे लिए ये ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ये ज़्यादा इंस्पिरेशन है. मतलब कि मुझे वो कह रहे हैं कि हमने इसको देख के हमें भी लगा कि हमें आगे आना चाहिए. मतलब एक लड़कियों की ये रेस्क्यू भी कर रही है, एक लड़कियों की ये कैंप्स भी लगा रही है. COVID-19 से हमने बड़ा सीखने को मिला. पीटिक स्ट्रॉक कैंप्स हमने लगाए, हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स हमने लगाए. ठीक है, लोग इसको चैरिटी में लेते हैं, लोग कहते हैं यार ये लोग सामाजिक वर्कर हैं. तो समाज का काम करना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं. मतलब आप एज ए रोल मॉडल भी करें ना. सही. मतलब आपके घर में अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब मिलकर अपने घर को रेस्क्यू करते हैं. तो ये पाकिस्तान भी हमारा कंट्री है, हमारा घर है ना, तो हम उसको रेस्क्यू क्यों नहीं करते? क्या कोई इन्विटेशन देगा हमें? नो. और अगर आप उसको प्रोफेशन बनाए वो चीज़ अलग है. तो मैंने उसको प्रोफेशन अपना नहीं बनाया था. हाँ. तो मैं बस चलती रही, इससे इंस्पिरेशन मिली. और ऐसी मेरी बहुत सारी कज़न्स हैं जो स्टार्टिंग में कहती थी कि नहीं छोड़ दो, आगे इसका फ्यूचर नहीं है. हाँ. पता, अब वो खुदा के कहती हैं कि सबीन सेल्फी हो जाए. हाँ. तो दैट इज़ माई सक्सेस. हाँ, हाँ. और मेरी कज़न्स के अलावा थोड़ा सा और भी बाहर जाया जाए, मेरी उसमें कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, और इवन के मेरे पास अभी जो टीम है
अभी जो जो मेरे साथ अभी एक नया बैच अटैच हुआ है उसमें मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, उनका फर्स्ट ईयर है. इसके अलावा कुछ लॉ के स्टूडेंट हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब वो भी, मतलब वो खुद एक बाकायदा बेहतरीन प्रेशियस मुंसलिक है, पर वो मुझे कहते हैं कि सबीन ये जब सेशंस आप किया करें ना, ये एक्टिविटीज हमें भी इंगेज कर लिया करें. तो वो शुरू में तो क्यूरियोसिटी थी कि यार हम भी जाके देखें, अब वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं. मतलब प्रोफेशन एक अलग चीज है, पता अच्छा लग रहा है कि वो भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें ये काम करना चाहिए. समाजी खिदमत बहसियत पाकिस्तानी बहसियत शहरी हमारे हमारा फर्ज बनता है. बिल्कुल. और इसके अलावा आप करें फिर उसके बाद आपने जो करना है, बट आपकी आपकी विलिंग पावर पर डिपेंड करता है ना, आप कितने विलिंग हैं, हाउ मच यू आर विलिंग.